आप देखो आपको क्या करना है, मेरे को वो ऐसे ऑफिस में बात करके आपको पैकेज कम होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। वही बता रहा हूँ अभी सर, हमारे हाथ में बात करके मैं आपको करवा देता हूँ। अरे ये थप्पे है, थप्पे और उनका विमल विमल भी है, सब है, फूका होगा। हाँ हो जाएगा साफ, क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा वैसे हमारा पार्किंग का ये शेड पूरा रेडी हो चुका है, बहुत लोग बीच में हमसे पूछ रहे थे कि वो क्या हुआ उसका, वहीं छोड़ दिया। ये पूरा रेडी हो गया, हमारी कार्ले की गाड़ियां सारी अंदर खड़ी होती हैं, जो हमारी रेगुलर कार्ले अशोर्ड कार्स है वो भी यहाँ रहती हैं और जो हमारी पार्क टू सेल गाड़ियां होती है वो भी यहाँ रहती है। कार्ले अशोर्ड वो गाड़ियां हैं जो हम लोग खरीद के रिफर्बिश करके फिर उनको मार्केट में लेके आते हैं। सो वी एंश्योर कि उसका सर्विस रिलेटेड मैकेनिकल वर्क हर चीज इट्स ऑल डन विद एंड अप टू डेट। और कार्ले पार्क टू सेल वाली गाड़ियां होती है जो कस्टमर की गाड़ियां होती है और एज इट इज कंडीशन में हम लोग उसे सेल करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? टेक्निकल वजह से जो अपना फैन है जो 6 इंच उधर जाने वाला था ना, वो 6 इंच पहले आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो? यहाँ पे अपना ये जो मोटर है, ये मोटर आएगा। अच्छा कितनी देर का काम है आपका? फिर शाम तक करवा देंगे। करो फिर, चलो लगो। हम लोग अभी पेंट बूथ को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो पहले सॉल्वेंट बेस्ड पेंट हम लोग यूज करते थे, अभी वाटर बेस्ड स्प्रे करने वाले हैं, तो उसको एयर ड्रायर लगते हैं, हवा मार के ड्राई किया जाता है बेस कोट को। तो अभी उसके लिए मोटर बिठाई जा रही है और अंदर डक्ट होगा जिसमें से हवा निकलेगी। सॉल्वेंट बेस और वाटर बेस के लिए अलग अलग पेंट बूथ्स आते हैं, हम लोगों ने पहले यही लिया था। मॉडिफिकेशन का कॉस्ट आ रहा है बट इट इज ऑब्वियसली बेटर देन एक नया पूरा पेंट बूथ लेना। आज से कुछ साल पहले तक ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब सॉल्वेंट बेस्ड पेंट सिस्टम यूज होते थे, पर फिर यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्म्स चेंज हुए क्योंकि वाटर बेस्ड पेंट एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा बेटर है, इसलिए ज्यादातर सारे ओएम मैन्युफैक्चरर्स और बड़े बड़े डीलरशिप्स ने वाटर बेस्ड सिस्टम्स को अपनाया। हमारे केस में क्योंकि हमें इतने सारे अलग अलग कलर्स पे काम करना पड़ता है और सॉल्वेंट बेस्ड कलर्स की लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम लोग ने सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम को अपनाया। पर अब विद टाइम धीरे धीरे वाटर बेस्ड की भी लाइब्रेरी काफी अच्छी होती जा रही है, तो हम लोगों ने सोचा व्हाई नॉट बी पायनियर्स एंड ये चेंज हम अपनी वर्कशॉप में भी लेके आए और बेटर काम निकाल पाए। जो उसका एग्जॉस्ट का जो हमारा पंखा है वो सेंटर पे देके नहीं चलता था, उसको वन साइड ही चाहिए क्योंकि इसका जो फ्लो रहता है ना तो वन साइड ही आता है। तो जितना हो सके उतना हमने आपका जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना उसको लग के लिए, अगर वो थोड़ा पीछे रहता तो ये 6 इंच और आगे आ जाता। तो गाड़ी जब अगर आएगी तो बोनट तो यहाँ तक आ जाएगी, तो ये ड्रायर कैसे देगा? ये एडजस्टेबल है, तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डक्टिंग यहाँ से आ रहा है। सेम ये लेवल में वाटर बेस में मेन इसका काम है ड्राई करना। रिड्यूस अगर होता है तो फिर एक जगह बेक ज्यादा होगी, एक जगह बेक कम होगी। ये इधर से हम लेते हैं तो चारों में या सब में सेम फ्लो आए। कैसे आए सर? अंदर से जो बना हुआ डक्ट है ना ये यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पीछे में लगने वाला है ना उसको अलग से उन्होंने फ्लैप दिया हुआ, तो वो एंड तक सेम फ्लो आता है। टेक्निकली आपको सारा मालूम है ना पेंट बोर्ड का? ये तो सारे स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें अलग क्या है? एक्सपेंशन फोम आता है, एक्सपेंशन फोम नहीं लगेगा? नहीं सर, ये तुमको सीलेंट नहीं मारना चाहिए, पैकिंग लगानी चाहिए, हीट रेजिस्टेंट पैकिंग। सर एक्चुअली कंपनी सीलेंट लगाने के लिए ही बोलती है, ये भी सीलेंट ही रहता है। कल को सीलेंट अभी खराब होगा तो मैं क्या बार बार सीलेंट थोड़ी भरता रहूंगा उसमें? जरूर
इनलेट खराब नहीं होता, एयर लीकेज हुआ उसमें से पेर हुआ तो क्या करने का? ना अभी तक किया है कभी, या वो इश्यू आया ही नहीं। अभी ऐसे दवा देखिए उसको क्या करना है, ऐसे नहीं चलेगा। कल का एक दिन लीजिए, मैं देखता हूँ। पूरा एयर ड्राइंग यूनिट बिठाने के बाद हम लोगों ने इसे ऑन किया ये देखने के लिए कि क्या ये ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। ऑन करने के बाद हम लोगों ने रियलाइज किया कि मोटर बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। फिर हमें पता चला कि वो एक्चुअली मोटर आवाज नहीं कर रही है, मोटर चलने की वजह से आजू बाजू का पतरा वाइब्रेट कर रहा है। ऑनेस्टली बोलूं तो वो पतरा इतना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था कि ऐसी कंडीशन में काम करना, वो भी 365 दिन, अब हमारे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। तो हमने फिटिंग टीम से बोला कि हमें इसका सोल्यूशन निकाल के चाहिए। एयर ब्लोअर ऑन करना, इसका माउंटिंग पूरा मोटर वोटर सब कैबिनेट वो हमारे साइड वाले पतरे के ऊपर लोड है। अंदर से दो रॉड आते हैं, उस पे अपना मोटर लगता है। इस साइड का सपोर्ट नहीं है हॉरिजॉन्टली, क्या एक ही तरीका पैकिंग देके करने से जो कम हो? आप देखो आपको क्या करना है, मेरे को वो ऑफिस में बात करके आपको वो पैकिंग कम होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। वही बता रहा हूँ अभी सर, हमारे हाथ में बात करके मैं आपको करवा देता हूँ। और उपाय नहीं है इसका, को नीचे से सपोर्ट अगर होता ना तो वाइब्रेशन कम होता। अभी पूरा जो लोड है सब उसके ऊपर है, आप उसमें पैकिंग लगा के टाइट करोगे तो हो सकता कम हो जाए। मैं सच बताऊं ना, मुझे मीडियोक्रेसी से बहुत ज्यादा चिढ़ है, और इसी रीजन से मैंने ये बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया था। हमारी इस इंडस्ट्री में भी बहुत जगह पर मीडियोकर काम होता है, एंड आई थिंक दिस मेंटालिटी इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट। इसी साइड में ज्यादा है, इधर नहीं मोटर यहाँ पर है, दोनों तरफ तो फिर उधर क्यों नहीं है? ये जो गेज रहेगा ना ये कम रहेगा, वो क्या करेगा? वही सर, एक मिनट, ये क्या लॉजिक है? तो दूसरा क्या हो सकता है? ये मोटर खराब होगी, वो मोटर ठीक है, लॉजिक तो अगर तो फिर आप ऐसे मेरे को लॉजिक मत दो ना। फिर कल देखने दे उनको, एक तरफ का पतरा मोटा है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसको। हमारी वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों को तो हमारे स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में पता है, पर बाहर से जब भी हमारी वर्कशॉप में कोई भी किसी काम के लिए आता है, मुझे इस बात की श्योरिटी रखनी पड़ती है कि वो काम ठीक ढंग से निकले। अगर इन चीजों के लिए मैं उन पे डिपेंडेंट रहूंगा और पीछे क्वालिटी चेक नहीं करूंगा तो वो चीजें कभी भी ठीक ढंग से नहीं होंगी। तो जब भी कोई भी काम हमारी वर्कशॉप में होता है, कोई भी नया चेंज आता है, तो पीछे हम जरूर आके चेक करते हैं कि वो काम ठीक ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। एंड आई थिंक अगर आप भी कोई छोटा सा बिजनेस भी चला रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है। आई बिलीव इन जीरो कॉम्प्रोमाइजेस एंड ऑलवेज गिविंग अ बेस्ट। तुम्हारा दिल आ गया क्या इस गाड़ी को? हाँ यार, पसंद है मेरे को। मैं पूछता हूँ ना, उनको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला था क्या? पर ये तो बैंगलोर से खरीदी हुई है। मेरा ना बहुत टाइम से एक नई गाड़ी लेने का मन है, और हर 10 से 15 दिन में मैं अपने मन को शांत कराता हूँ कि मैं नई गाड़ी नहीं लूंगा। फिर वर्कशॉप में स्कोडा की एक नई गाड़ी हमारे पास आ जाती है, और जब भी मैं ये गाड़ी देखता हूँ ना, चाहे वो सुपर्ब हो, चाहे वो ऑक्टाविया हो, चाहे वो कोडियाक हो, मेरे से रहा नहीं जाता। इट्स लाइक टेकिंग अ चाइल्ड टू अ चॉकलेट फैक्ट्री। अब चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर ले जाके आप उसको बोलोगे कि चॉकलेट नहीं खानी है तो कैसे चलेगा? ये आपने कर्नाटका से ली हुई है ना, वहाँ और यहाँ ऑन रोड प्राइसेस में फर्क है। 10 लाख यहाँ पे जब मैंने देखा था इट वाज 45, आई बॉट इट एट 52। अच्छा, वहाँ और महंगा है क्या? महाराष्ट्र से महंगा है। But what's your feedback on the car? कैसी लगी आपको? Good part about Skoda car की you get the performance of a BMW and an Audi. That is exactly why I am looking for it. मैं 5 series में बैठा, मैं rear seat में बैठने को नहीं होता है। होता है। जबकि the car is so massive. और Octavia में you are very comfortable. ये गाड़ी में भी मेरे को वही लगा कि like it's bang on value for money. It's amazing. यहाँ पे अभी मैं देख के आया, it is costing about 51. Karnataka it is 52. You going for it? I don't want to spend that kind of money. That's but the only. Skoda is a Skoda. You know it better. Just that इतने सारे plan है काम से related और हर चीज मेरे को अभी वो आज जो car ले गई हूँ taking up है लेकिन following you on YouTube अच्छा एक अभी छोटा है business so it's taking time but yeah it's picking up। कल हम लोगों ने पूरा बूथ क्लीन कर लिया था, ये जो एयर ब्लोअर्स है ये अभी बैठ गए हैं। अभी जब हम वाटर बेस्ड पेंट मारेंगे ना तो ये जो हवा है ना पेंट को ड्राई करने के लिए यूज होती है, जल्दी वो सिस्टम भी हमारा शुरू हो जाएगा। आई एम होपिंग 5-10% और फाइन रिजल्ट्स ला पाए हम, बट हमको हमारी प्राइसिंग रिवर्क करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ जाती है ना वाटर बेस में, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 3-4% कॉस्टिंग बढ़ जाएगी हमारी। जब काम करना शुरू किया था तब ये चीज पता ही नहीं थी कि किस चीज में कितना खर्चा जाता है, उसको रेडी करने में कितने पैसे जाते हैं और क्या चार्ज करना चाहिए, और
क्योंकि बिजनेस नया था तो बहुत मार्केट डिपेंडेंट थे हम लोग कि मतलब सामने वाला क्या ले रहा है, बाजू वाला क्या ले रहा है। बट मैंने टाइम के साथ रियलाइज किया एंड आई थिंक हर एंटरप्रेन्योर को ये रियलाइज करना चाहिए कि यू शुड बी कम्पीटिंग विद योरसेल्फ नॉट विद एनीबॉडी एल्स। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और अगर आप अपने आप को डिसेंटली मार्केट कर सकते हो तो आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने में फोकस करना चाहिए एंड देन कॉस्टिंग हमेशा सेकेंडरी आनी चाहिए। हम लोगों ने सही टाइम पे ये चीज रियलाइज की, हम लोगों ने अपने प्राइसिंग डेफिनेटली बढ़ाए बट उसके साथ अपने काम की क्वालिटी पे भी बहुत फोकस किया, क्लाइंट को बेटर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने शुरू किए और उसका रिजल्ट हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स देखा है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये मतलब 2-3 साल के अंदर हो गया होगा, वैसा नहीं है। 2016 में बिजनेस शुरू किया था, 2020 तक बहुत हैंड टू माउथ थे, मतलब महीने के खर्चे भी नहीं निकलते थे। कोविड के बाद तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जस्ट बंद ही करना है कि नौबत आ जाए, बट टचवुड थैंक्स टू गॉड मतलब ये सब प्रॉब्लम नहीं आई, काम चलने लगा। हम लोगों ने भी क्योंकि बहुत सही टाइम पे सही डिसीजन लिए थे, काम पे ज्यादा फोकस किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हमने ये रिजल्ट देखे। थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी जो हमें देखते हैं, जिन्होंने ये हमारा चैनल देखा और हम लोग को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियोस देख के हम लोग के पास काम भेजा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। अभी हमारी करंट वर्कशॉप हम लोग को थोड़ी सी टाइट लगने लगी है। बहुत बार मैंने कमेंट्स भी देखे वीडियो में, लोग बोलते हैं कि यार जब काम आ रहा है इतना तो जगह बदल लो, बड़ी जगह ले लो। एक जगह में इन्वेस्ट करना मतलब 2-5 लाख रुपए की बात नहीं है, वो फिर सीधा बात आती है कि 1-1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मैं थक गया हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते करते, पिछले 7 साल से इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ काम में, मतलब अभी तक हमने कुछ इसमें से ज्यादा निकाला नहीं है। जितना डाला है आई थिंक वो भी पूरे हद तक ठीक से रिकवर नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा फोकस यही था जब से हम शुरू किए थे, आई हैड टू चेंज 3-4 प्लेसेस और कॉन्स्टेंट री इन्वेस्टमेंट इन टू द बिजनेस। जो पैसा आ रहा था वापस हम काम में पंप कर रहे थे, फिर बीच में जगह भी चेंज की, बड़ी जगह भी ली जो कि ये वाली जगह थी। एक डर और रहता है कि अगर आप बड़ी जगह ले लोगे, बड़ा वर्कशॉप कर दोगे और काम कल को स्लो डाउन हो जाता है तो वो खर्चे मैनेज करना वो एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। तो जब भी एक बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, एक्सपैंड कर रहा होता है, हर चीज को सोच के मद्देनजर रखते हुए ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा है, आपके मार्केटिंग की वजह से आपका काम है। ऐसी मार्केटिंग दरवाजे तक लोगों को ला सकता है, उसके बाद क्लाइंट से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ला के अपना काम दिखा के वैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हर चीज पे फोकस करना पड़ता है, एक बेटर टीम बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ता है, बेटर सर्विस देने पे फोकस करना पड़ता है, एसओपीज मैनेज करने में फोकस करना पड़ता है, अपने ऑटोमेशन पे फोकस करना पड़ता है, मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ता है, हमें तो कंटेंट पे भी करना पड़ता है। ये सारी चीजें जब इकट्ठा होकर सही ढंग से चलती हैं तो एक बिजनेस डिसेंट रिजल्ट्स लेके आता है, वरना अगर 10 बिजनेसेस खुलते हैं तो विद इन अ फ्यू इयर्स उसमें से 9 शट डाउन हो जाते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये मेरा मानना है, पर इट इज वर्थ इट। मैं कल इसकी थ्योरी देख रहा था, तेरे को मालूम है वो इसने बनाया था, जीरोधा का फाउंडर है ना, वो स्टिंग के ऊपर बना रहे थे, ये रेडबुल का कंपेटिटर पता है, ये वो बता रहे थे कि इन्होंने, ये पेप्सी का प्रोडक्ट है ना, तो उन्होंने मार्केट सर्वे किया होगा एंड दे रियलाइज कि बहुत सारे लोग जो ऐसे डेली वेज वर्कर्स वगैरह होते हैं, दे आर यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ फूड एज अ सप्लीमेंट सॉर्ट ऑफ लाइक, इट हैज अ लॉट ऑफ कैफीन ना, एनर्जी रखता है ना, दिस हैज हाफ द कैफीन ऑफ रेडबुल एट आई थिंक 1/10 ऑफ द प्राइस, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया, स्टूडेंट्स वगैरह के साथ में बहुत पॉपुलर हो गया। पर मेरे को टेस्ट पता है किसकी याद दिलाता है, वो बेनेड्रिल आता था कफ सिरप, उसकी याद दिलाता है। मैं न्यूजीलैंड में जब था ऐसे ही एक आती थी रेसबेरी मिरिंडा, और मैं वहाँ कैसे पीता था पता है, पहली बात तो मजे ये थी कि सबवे सैंडविच लोगे ना तो कोक अनलिमिटेड होती है, यू हैव टू पे फॉर इट वंस, तुम 2-3-4 बार ले लो। मैं उधर कॉकटेल बनाता था, सॉर्ट ऑफ मॉकटेल बनाता था, मैं थोड़ी सी कोक डालता था, थोड़ी रैसबेरी डालता था, थोड़ा ऑरेंज डालता था, थोड़ा लेमन डालता था, फिर उसको तो मैंने रेशियो भी परफेक्ट कर लिया था कि क्या कैसे मिक्स करके कौन सा सबसे बेस्ट टेस्ट आता है। भाई स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत वेले होते हैं सब।